हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एसएससी सीएचएसएल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंपटीशन कमेटी अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया इनिशिएटिव आरंभ करने जा रहा है जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल प्रोग्राम। और यह प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क होगा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी के प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो इस एसएससी सीएचएसएल प्रोग्राम में मैं आप सभी को डील करने वाला हूं जनरल साइंस के सब्जेक्ट। जनरल साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को भी कवर करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में एक्चुअल में पैटर्न क्या होता है। जैसे कि टोटल क्वेश्चंस होते हैं इस एसएससी सीएचएसएल के पेपर में, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 और एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। ठीक, इसमें अगर आप देखते हैं जनरल स्टडीज का जो पेपर है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, ये होता है 25 क्वेश्चंस का। 25 क्वेश्चंस में जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो देखिए यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अगर जनरल साइंस के छोड़ दे और एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट इसमें जोड़ दे, तो आप ये कह सकते हैं करीब 8 से 9 क्वेश्चंस इस जनरल साइंस प्लस एनवायरनमेंट प्लस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स से आते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जनरल साइंस के इस सेक्शन में हमको विज्ञान को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि ये रेगुलर और डेली यानी एप्लीकेशन का पार्ट होता है। जैसे कि हमने ये समझा कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस में, जनरल साइंस के जो सेक्शंस में क्या होता है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस में यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करें, सबसे पहले होगा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। दूसरा केमिस्ट्री होता है यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक, उसके बाद तीसरा पार्ट जो होता है बायोलॉजी यानी कि हम कह सकते हैं इसे जीव विज्ञान। उसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस, एनवायरमेंट या पर्यावरण विज्ञान। और लास्ट में हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सभी सेक्शंस से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो ये जो सेक्शंस हैं जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, हम बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत ही लाइक कह सकते हैं ट्रिकी मेथड से, और कनेक्टिंग द डॉट्स यानी कि दो डॉट्स को कैसे कनेक्ट करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, इस मेथड का को अप्रोच करते हुए हम इस जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे, बहुत सारे इमेजेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके फैक्ट से। तो इमेजेस जनरली ज्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं रादर देन फैक्ट्स। तो उन सभी महत्वपूर्ण सेगमेंट को कवर करेंगे। और जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, क्योंकि हमको वो अप्रोच पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहां से लिए जाते हैं। और हमारा जो बेस रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण सेगमेंट जो आपकी एसएससी सीएचएसएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन सभी सेगमेंट को हम कवर करेंगे। तो जल्द ही हम मिलते हैं बहुत ही नए तरीके से, कुछ नए और इंटरेस्टिंग तरीकों के साथ जनरल साइंस को समझेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके सभी फैक्ट्स, और आप एग्जाम हॉल में सभी क्वेश्चन करेक्ट कर आए, ताकि आप सेलेक्ट हो पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही जनरल साइंस सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।